देखिए इस प्रचंड जीत का जो श्रेय है वो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में ऐसी नीतियां, ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है, जिसका लाभ किसान को भी मिल रहा है, जिसका लाभ युवा को भी मिल रहा है और जिसका लाभ महिला को भी मिल रहा है। इस प्रकार की योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने वो हर वर्ग के लिए चलाई हैं, उसका परिणाम है, उन नीतियों का परिणाम है, मोदी जी की लोकप्रियता का परिणाम है। मोदी जी को देश के लोग प्यार करते हैं, मोदी जी को देश के लोग स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से वो आई है। और हरियाणा के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत और सरकार की डबल इंजन की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। मैं उन सब कार्यकर्ताओं को भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उनकी मेहनत के कारण हम तीसरी बार सत्ता में आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई है, क्योंकि मैंने हरियाणा की जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है और मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी को कि आपको हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सीटें दे करके ये तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनी है। देखिए जो ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने वाले लोग हैं, मैंने 4 रोज पहले कहा था, जो यहाँ पर सर्वे की रिपोर्ट आ रही थी उस सर्वे की रिपोर्ट के अंदर एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में माहौल था। कांग्रेस इस प्रकार का वातावरण बना रही थी, झूठ का वंडर खड़ा कर रही थी कि हम सत्ता के अंदर आ गए हैं। और मैंने बार बार इस बात को कहा, मेरी कोई भी वाइट आपने देखी होगी सुनी होगी, मैंने ये बात कही है कि हमने इतना काम किया है पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी और वो साबित हरियाणा के लोगों ने कर दिया है। वो जो सर्वे की रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को आप लोगों के सामने है। मेरे को ये भी पूछा गया था, जब पत्रकारों ने ये पूछा था कि सर्वे ये दिखा रहे हैं, मखा सर्वे की अपनी रिपोर्ट होती है, उनका अपना आंकलन होता है, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता, परंतु मेरा भी आंकलन है, क्योंकि मेरा आंकलन ये है कि मोदी जी ने जो काम किए हैं, मुझे पता, उन्होंने गरीब के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया है। आज गरीब व्यक्ति को इस बात की चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा। ये सम्मान अगर कोई दे रहा है तो नरेंद्र मोदी की ही योजना है, जो गरीब व्यक्ति को संबल बढ़ाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और मैंने इसी आधार के ऊपर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ एक तरफा जीत लेकर के आ रही है, इसका श्रेय पूरा का पूरा अगर जाता है वो मोदी जी को जाता है और कार्यकर्ताओं को जाता है। देखिए इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है, मेरे को नहीं नहीं देखिए मेरी जो ड्यूटी थी मैंने वो पूरी की है, ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। अभी हमारे ऑब्जर्वर भी आएंगे, वो ऑब्जर्वर और पार्लियामेंट मुझे नहीं मालूम है, वो केंद्र तय करेगा, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, विधायक दल अपना नेता चुनेगा किसको नहीं चुनेगा, जिसको भी चुनेगा हमारी पूरा का पूरा विधायक दल, हमारे यहाँ कोई किंतु परंतु तो है नहीं,
हमारे यहाँ कोई ये भी नहीं कहता कि ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का आदेश होगा वो सिर माथे के ऊपर होता है। और वो मैंने कहा है कि केंद्र तय करेगा, हमारे ऑर्डर पर आएंगे, ऑर्डर पर उसको जो आएंगे वो तय करेंगे। और जब दायित्व संभालने के लिए तैयार है, जिम्मेदारी नहीं, देखिए मैंने कहा है कि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड इस बात को तय करता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला वो अंतिम फैसला है, जो भी फैसला उनका होगा वो सर्वमान्य है।